अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है एहसान अकरम और आप देख रहे हैं एहसान चौधरी का ब्लॉग। अच्छा, तो ब्लॉग शुरू होने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये कोई ब्लॉग नहीं है कि जिसमें सिनेमैटिक बी रोल या यूनिवर्सिटी का कोई टूर वगैरह हो। यूजली जो मैं अपलोड करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, तो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट हाउ आई लॉस्ट माई कैमरा एंड हाउ आई गेट अ न्यू वन। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो। आप इससे काफ़ी लोग मुझे जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते ना, मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। मेरा नाम है एहसान अकरम और मैं फास्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ और कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ और मेरा 8वां सेमेस्टर चल रहा है अभी। एंड होप सो मैं ग्रेजुएट होने वाला हूँ विद इन एक सेमेस्टर आई गेस एक्स्ट्रा है मेरा। और उसके अलावा कोई तस्वीरें वगैरह बना लेता हूँ और मैं वीडियोज़ और ब्लॉग्स वगैरह बना लेता हूँ। अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया हुआ इंस्टाग्राम पे, तो यहाँ पे इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा, इधर या इधर जहाँ पे भी आ रहा होगा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी हेल्पफुल हो सकती है, सम हाउ मे बी हो सकती है, मे बी नहीं हो सकती, लेकिन वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, लेकिन आपको इसमें से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। अच्छा, तो इस वीडियो में मैं जो भी क्लिप्स यूज़ करूँगा लाहौर पार्ट के, वो शमशाद भाई के होंगे, Visuals.11 का इंस्टाग्राम भी इधर आ रहा होगा, उन्हें भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। तो थैंक यू सो मच इमशाद भाई, आपने हमें अपने शॉर्ट्स दिए इस वीडियो को बनाने के लिए। तो खैर, ये आई गेस लास्ट ईयर नवंबर की बात है कि यूनिवर्सिटी का ना एक ट्रिप किया था इन कोलैबोरेशन विद वाइल्ड सिटी या वैलेट सिटी, आई गेस मुझे अंग्रेजी नहीं आती, इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी इन कोलैबोरेशन विद फास्ट यूनिवर्सिटी लाहौर हमारा एक ट्रिप किया था अंदरून लाहौर फोटोग्राफी के लिए ना। तो मैंने कहा मैं भी चला जाता हूँ, मेरे लिए कंटेंट निकल आएगा, मैं ब्लॉग बना लूँगा और कुछ पिक्चर्स वगैरह ले लूँगा अपने इंस्टाग्राम के लिए। तो खैर, हम लाहौर पहुँच गए थे, बड़े मज़े थे। तो मैं यूजली बड़े मज़े से अपना ब्लॉग बना रहा था ऐसे करके ना, यू नो अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है एहसान अकरम। अंदरून लाहौर में जैसे आप क्रेज़ होते हैं कि आप एक नई जगह पर आए हैं, लाहौर मैंने वैसे देखा हुआ है, लेकिन ये है कि अब आप अंदरून लाहौर में जाते हैं ना, तो उसकी एक अलग सी वाइब्स हैं जो आपको इधर नज़र भी आ रही होंगी, अगर आपको नज़र भी आ रही होंगी मेरी वीडियो में। तो मैं बड़े मज़े से ब्लॉग बना रहा था, मैं साथ एक मेरे लाहौर का लड़का था, तो मैं उससे पूछ रहा था कि मतलब लाहौर की फूड स्ट्रीट ही क्यों मशहूर है, इस्लामाबाद की नहीं है, कराची की नहीं है, इतनी वहाँ मुझे बता रहा था कि इसमें बहुत ट्रेडिशनल फूड्स हैं और काफ़ी पुरानी बनी हुई है इस तरह करके ना। तो मीन वाइल मैं इस तरह ब्लॉग बना रहा था, मेरे आई गेस पैरेलल इस तरह को 4-5 लड़के मतलब थे हम, तो पीछे से एक बाइक वाला आया और मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, मेरे साथ ट्राइपॉड था ऊपर, मतलब मेरा पूरा कह सकते हैं गियर था जो मैंने अब तक जो मैंने लिया था वो आया, उसने बड़े मज़े से खींचा बाइक से और बाइक पे लेके यूँ चला गया। अब लिटरली मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या, अब मैं बाइक पे चला गया, मैं इस तरह हाथ बांध के खड़ा हो गया, आई वॉज लाइक मतलब साथ वाले लड़के आए, क्या हुआ, तुम्हारा दोस्त है जो तुमसे कोई खींच के चला गया, मैं भाई मेरा दोस्त यहाँ पर कैसे आ गया, कहता मुझे बताओ तो सही। खैर, वो उसके पीछे भागा, लेकिन क्या कह सकते हैं, पाकिस्तान है, कुछ भी नहीं हो सकता उसका। तो लड़के भागे हैं, फास्ट के लड़के थे लाहौर के ना, तो उनके पीछे भागे हैं बाइक वाले के पीछे, 5-5 पे कॉल भी की है। खैर, पूरा जो भी प्रोसीजर होता है पाकिस्तान में लॉ का, लॉ जो भी प्रोसीजर होता है इसका, इस तरह का, वो सारा हमने अप्लाई किया, लेकिन कुछ भी नहीं बना। तो ये सीन था कि इस तरह जो था हमारा कैमरा चला गया, खैर कैमरा चला गया, अब क्या कर सकते हैं कि किस्मत की बात है, अगर नसीब में हुआ तो मिल जाएगा, अगर ना हुआ तो लाहौर दे देगा, जिसने वो दिया है कैमरा, जिसने पहला दिया था वो नया भी दे देगा। अच्छा, तो खैर इस्लामाबाद वापस आ गए, हॉस्टल आ गए, 2-3 दिन तो मैं फिर यूनिवर्सिटी भी नहीं गया, इतना सैड फील कर रहा था, क्योंकि आई नो कि हाउ मच एफर्ट आई पुट फॉर लास्ट 3-4 ईयर्स टू गेट माई कैमरा। तो फिर सोचा यार अटेंडेंस शॉर्ट हो रही है, सेमेस्टर भी पास करना है। तो खैर यूनिवर्सिटी चला गया मैं, फिर कोई एक वीक के बाद यूनिवर्सिटी में जब मतलब दोस्तों को टीचर्स वगैरह को पता चला, तो सब लोगों ने अप्रिशिएट किया कि यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब, तो इस काम को ना छोड़ो। कि मैंने फैसला कर लिया था कि भाई आप, मेरे पास अब कैमरा ही नहीं है ऑब्वियसली, तो फिर मैं कैसे अपना आगे कंटिन्यू करूँगा ना। खैर कॉन्टेंट को मैंने अपने कॉन्टिन्यू रखा, तो आई वॉज लाइक के तकरीबन को 1-1.5 महीने बाद जब मेरे पास पैसे कटे हुए, तो अचानक से इसी तरह इकट्ठे हो गए पैसे, घर वालों ने काफ़ी सपोर्ट किया, स्पेशली आई वुड लाइक थैंक टू फास्ट प्रोडक्शन सोसाइटी एंड साउथ भाई एंड सर मुजारिफ, स्पेशली सर मुजारिफ, मतलब ट्रिप से लेकर एंड तक उन्होंने मुझसे अपडेट, मेरे हाँ भाई क्या सीन है, क्या बना कैमरे का, ये वो नाम सब कुछ उन्होंने अपडेट किया।
तो आई वुड लाइक टू थैंक यू एवरी इंडिविजुअल पर्सन जिन्होंने अभी तक मुझे सपोर्ट किया है एंड आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे होप सो. तो ये सीन था कि हमने अपना कैमरा किस तरह खोया और अब पाया किस तरह है, तो उसके फिर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो अभी हम चलते हैं ब्लू एरिया कैमरा लेने के लिए, तो लेट्स गो टू ब्लू एरिया. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी. तो अभी हम आए हैं जी कैनन आई थिंक दिस स्क्वायर मॉल या लिंक, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं पता. तो लेट्स गो. अच्छा, तो अभी ये हमारे पास है, दिस इज आर पी, दिस इज आर पी, और ये हमारे पास है आर, दिस इज आर. और प्राइस दिखा दो यार इसकी. ये प्राइस है, ये विदाउट, ये लेंस के साथ है, ये विदाउट लेंस है, ये लेंस के साथ है और ये विदाउट लेंस है. और अभी आप सजेशन दें कि हम कौन सा लें, हमारा तो इतना बजट नहीं है जितना रेट लिखा हुआ है यहाँ पे. तो अभी हमारे साथ हमारे शिवशाद भाई मौजूद है. शिवशाद भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? यार मैं पर्सनली अगर मैंने खरीदना था, और ये भी मेरा ये खैर आर पी और विद लेंस वाले, हम इस किट के साथ जाएंगे. और अडॉप्टर हम कैनन का नहीं लेंगे, हम लेंगे वर्ल्ड रॉक का. बाकी अभी हम अब्दुल्ला भाई से डिस्कस करते हैं क्या रेट देंगे हमें. तो लेट्स मूव ऑन टू अब्दुल्ला भाई. ये अब्दुल्ला भाई शॉप के ऑनर है. अब्दुल्ला भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक. आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है. आप हमें क्या सजेशन देंगे कि कौन सा बाय करना चाहिए? बजट हमें आपको बता दूँ. हाँ, बजट आपने मुझे बता दिया. पहले भी आप यूज़ कर रहे थे क्रॉप बॉडी, यूज़ कर रहे थे 200T. तो मतलब इस बजट में जो मैक्सिमम और बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है ना आपके पास, वो आर पी है. फुल फ्रेम भी है, मतलब आपका क्लाइंटल है उसको मिररलेस पे भी आप शिफ्ट हो जाएंगे, आप फुल फ्रेम पे भी आ जाएंगे. तो जो भी आपका वेडिंग का क्लाइंटल है, वीडियो का है, मतलब वो सारी चीज़ें पूरी करेगा. और लेंस में भी आपके पास डी 24-105 RF का, तो शार्पनेस भी अच्छी है उसकी, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी. और हमें गिफ्ट साथ क्या दे रहे हैं आप? गिफ्ट जो है ना, हम नॉर्मली बहुत सारे लोगों को नहीं दे रहे होते, लेकिन कुछ ना कुछ गिफ्ट आपको ज़रूर देंगे. आप हमारे अच्छे कस्टमर हैं, हमने आपको एक बैटरी भी दे दिया साथ, और हमने आपको मेमोरी कार्ड भी दे दिया साथ. ये हमने आपको गिफ्ट दिया है, ये मेमोरी कार्ड गिफ्ट है और ये बैटरी गिफ्ट है. तो ये है जी शमशाद भाई के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं अब्दुल्ला भाई. हाँ जी, शमशाद भाई की वजह से हमें ये जो गिफ्ट मिला और अच्छी प्राइस पे हमें कैमरा दिया है उन्होंने, तो थैंक यू सो मच अब्दुल्ला भाई. थैंक यू. तो अभी थोड़ी सी अनबॉक्स करते हैं, यू नो इतने पैसे लगे हैं, थोड़ी सी चेक करेंगे, बाकी फुल अनबॉक्सिंग किसी और दिन कर लेंगे, कोई और वीडियो बना लेंगे पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ. तो अभी आप थोड़ी सी अनबॉक्सिंग देखें. ये देखें जी, अब शमशाद भाई आपका कैमरा हमने खोला था, इनका कैमरा अब आपको. बिस्मिल्लाह माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. पूरा कट नहीं लगा यार ये. क्या भाई आपसे कैमरा नहीं अनबॉक्स हो रहा? इतना ही था ना? नहीं इतना नहीं है, बाकी का बाकी अब्दुल्ला भाई का जैसे वो कसाई करता है ना. बिल्कुल, मैं वही बोलने लगा, बाकी काम कसाई को भी कर दिए सर जी हमने. ये चेक है जरा. ओहो, चार्जर आ गया, बैटरी आ गई है, और इसके बाद आगे पास ये इसकी केबल आ गई है, स्ट्रैप आ गई है, इसके बाद लेंस आ गया. लेवल लेंस इज 24-105 जी, आरएफ का 24-105 और अपर्चर जो इसका वो जो स्टैंडर्ड होता है उस लेंस का. फिर आपके पास हमारा बंदूका, क्या बात है, माशाल्लाह. वो सारे आपके लग जाएंगे इस पे, वो उस पे लग के तो हमारे पास जो अच्छे पूरा अच्छा कॉम्बिनेशन आपका बन जाएगा. थोड़ा सा हम इसको यूज करके देखते हैं. ये कैनन की स्पेशल कॉफ़ी है. ये जब भी आप यहाँ से कैमरा लेते हो तो आप हाँ आइंदा से अगर आप यहाँ पे जब चीज़ लेने आए ना, आइंदा से नहीं बल्कि ज़रूर आए,
बल्कि मैं क्यों बोल रहा हूँ ये, अच्छा खैर सीन ये है, जब भी आप यहाँ पे कैनन पे चीज़ लेने आए कोई भी, तो यहाँ से कॉफ़ी आपने ज़रूर डिमांड करनी है और बताना है कि शमशाद ने बोला था, ठीक है? थोड़ा रेफरेंस आ जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा, ये ले भाई। जब भी आप कैमरा लें एम बी एम वारंटी वाला लें, थोड़े से पैसे ज्यादा होते हैं, लाइक 2-4-5-10 तक हो सकते हैं, ज्यादा नहीं होता है। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला भाई, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच भाई, आपका नाम I would like to thank you every individual person जिन्होंने मतलब support किया, especially Fast Production Society, South भाई, Sir Muzarif, मैं जिन लोगों के मतलब मैं नाम नहीं भी ले रहा लेकिन फिर भी हम दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने सपोर्ट किया, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से हम यहाँ पर आज जो भी हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, यहाँ भी हैं, वो सब आप लोगों की वजह से हैं। तो फिर यार ये आज की वीडियो थी, अगर अच्छी लगी हो तो मेक श्योर टू बिग बिग थम्स अप, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, दुआ में याद रखिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। प्लीज़ सब्सक्राइब टू हसन चौधरी, सब्सक्राइब सब्सक्राइब मुड़ तोड़ा काम है कि तुझे चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर हसन चौधरी चैनल।